Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a गाइस सुबह एक बार गुड मॉर्निंग टाटा बाय बाय करके मैं सोने जा चुकी थी और छोटे को ढेर सारा प्यार बड़ों को पैरी पौना जी, ये मैं बोलना भूल ही नहीं, मुझे याद था। तो बस अभी हम लोग उठे हैं, टाइम हो रहा है पौना एक, मतलब 12:15 तक उठ गए थे, हाथ मुंह धोया, ब्रश व्रश किया और अभी मेरे हस्बैंड गए हैं बेटे को लेने के लिए क्योंकि उसकी छुट्टी का टाइम चेंज हो चुका है। और अब वो आएंगे तो नाश्ता पता चलेगा क्योंकि मेरे उठने से पहले ही उन्होंने नाश्ता खा लिया। अब कुछ नहीं मिला तो आपको पता है मेरा एज यूजुअल चाय पराठा चलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, कई लोगों ने मुझे बोला था, पूछा था बालों के बारे में कि आप हेयर पैक तो लगाते ही हैं लेकिन आप और क्या करते हो जिससे बाल थोड़े से बेटर हो जाएं। मैं आपको बताऊं, बालों के लिए ना विटामिन सी आंवला बहुत ज़रूरी है और मैं ना कच्चा आंवला खा नहीं पाती तो इसलिए मैं ना आंवला जूस ला कर रखती हूँ। कभी डाबर का मिल जाता है, कभी पतंजलि का मिल जाता है, जो भी मिलता है वो दो टाइम मैं ज़रूर पीती हूँ। एक बार सुबह जैसे चाय वाय तो सुबह मेरी आँख खुलते ही मुझे चाहिए होती है, बैठने की आदत लग गई है, अभी लगी है, पहले नहीं थी। तो थोड़ी देर बाद मैं फिर आंवला जूस पी लेती हूँ और शाम को एक बार बच्चों के जाने के बाद एक बार आंवला जूस पीती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ मेरा आंवला वाला जूस। आइए देखिए, किचन तो आंटी समेट गई है, सारा बर्तन कर गई, मैं आपको अपना आंवला जूस दिखाती हूँ मैंने कहाँ रखा हुआ है। ये रहा सामने, मैं दिखाती हूँ गाइज। ये देखिए, ये डाबर का आंवला जूस है। वैसे मैं पतंजलि का भी कंज्यूम करती हूँ, एक्चुअली जो स्किन में मिल जाता है ना मैं वही मंगवा लेती हूँ। तो ये एक्चुअली बालों के लिए बहुत ज़रूरी है, दो टाइम आपको पीना है। ये एक आपको स्कूप मिलता है साथ में, तो ये स्कूप आपने भर के ग्लास में डालना और पानी मिक्स कर लेना और उसको पी जाना। ये एक्चुअली में थोड़ा कड़वा होता है। हम बालों के लिए कोकोनट ऑयल या आंवला ऑयल यूज़ करते हैं ना, तो हमारी बॉडी में भी जो न्यूट्रिशन की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए बालों के लिए बेसिकली आंवला बहुत मस्ट है। तो एक ये ज़रूर है जो मैं पीती हूँ और जिससे मुझे एक्चुअल में फ़र्क पड़े। गाइस आज दोपहर को ना रोटी बना रहे हैं मेरे हस्बैंड और वो कुछ अलग तरीके से बना रहे हैं, कुछ तंदूर स्टाइल के बनाने के लिए। मैं नहाने जा रही थी, कह रही चल रुक जा मैं रोटी बनाता हूँ, सब्जी बनी पड़ी है। तो देखिए कुछ अलग से तरीके से बना रहे हैं इन्होंने ना, रोटी को पानी से गीला करके लगाया ना तुमने, अभी कुछ अपना ट्विस्ट करेंगे। ओहो तवे को उल्टा कर दिया है। अच्छा उल्टा तवा करके फिर वो तंदूर स्टाइल हो जाएगा। गुड वन, मेरी भी बनाई है ना एक, अपने आप बना, तुम्हारी क्यों बनाऊं। हाँ है, अपने आप अभी खाऊंगी, एक मेरी बना देना। और उधर कुकर में ना मैंने प्याज टमाटर वाले चावल बनाए हैं, वो मैं अभी आपको रुक के दिखाती हूँ, पहले रोटी बन जाए वाली। गाइज ये देखिए बिल्कुल तंदूर जैसी रोटी बन गई है और प्रॉपर सिकी हुई रोटी बनाई है, मस्त एकदम। ये उतरने वाली है देखो, अरे वाह तंदूरी स्टाइल रोटी है ना, गर्मी लगती है ना रसोई में, क्या बुरा हाल होता है। खाना खाने के बाद अभी मैं जा रही हूँ मेरी बेटी के साथ थोड़ा शॉपिंग करने, क्योंकि फिर इसका ज्वाइनिंग हो जाएगा तो हमें टाइम ही नहीं मिलेगा। तो अभी हम जा रहे हैं घूमने मेट्रो स्टेशन तक, आगे कहाँ जाएंगे वो आप बने रहिए कहाँ हमारे साथ। बड़े झटके पड़ रहे हैं, रिक्शे में फोन रखती हूँ। मेट्रो स्टेशन पर पहुँच कर मेट्रो का वेट किया जा रहा है और मेरी टिकट से गेट ही नहीं खुल रहा था, पता नहीं स्कैनर में क्या प्रॉब्लम आ गई थी। तो फाइनली अभी हम खड़े हैं स्टेशन पर और मेट्रो का वेट कर रहे हैं। ये देखिए एकदम नीट एंड क्लीन है मेट्रो का स्टेशन यार, ये देखिए आप देख रहे हैं आप कितना साफ सुथरा है और एक गेट्स वगैरह भी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। मेरे हस्बैंड, मैं आपको मिली थी दोपहर को मेट्रो स्टेशन पे ट्रेन का वेट करते हुए और अब मैं घर आ गई हूँ, टाइम हो रहा है रात के 9। सारा दिन मेरा कैसा निकला मैं आपको बता नहीं सकती, हालत देखो मेरी क्या हो गई है। और मैं अभी दिखाती हूँ कि हम लाए क्या, हम लाए हैं दो टिफिन बस, सारा दिन घूम फिर। अरे एक सेकंड भाई, तो मैं टिफिन आपको दोनों दिखाती हूँ। देखिए गाइस ये देखिए हम डिब्बियाँ लेकर आए हैं, 1, 2, 3, अरे बाप रे, ये लंच में ये 3 डिब्बियाँ और ये इसका कवर है, मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। गाइस ये देखिए ये पूरा ऐसे असेंबल्ड होके बंद हो जाएगा जिप से और जब ये खोलेंगे तो इसमें ये 3 डिब्बियाँ निकलेंगी और ये फॉक और स्पून, और ये डिब्बियाँ एयर टाइट है, माइक्रोवेव फ्रेंडली है और ये बहुत सुंदर है। तो ये हम लाए हैं दोनों के लिए टिफ़िन और बस आज यही शॉपिंग हुई है, दो टिफ़िन लाए हैं हम ये वाले और पूरा दिन घूम कर आए हैं। गाइज इन डिब्बियों में देखिए डिब्बियों की क्वालिटी, इसमें ये ना इसमें से निकल जाती है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखो अगर माइक्रोवेव में गर्म करना है तो इसमें डाल दो, अगर माइक्रोवेव के अलावा गैस वगैरह पे गर्म करना है तो ये डिब्बे निकाल के इसमें से गर्म हो जाएगी और खाना भी गर्म रहेगा। तो ये मुझे बड़ा पसंद आया था तो ये हम दो टिफिन लेकर आए हैं। गाइज आज तो मेरी लॉटरी लग गई, पता है मैं आपको बताऊँ मैं बड़ी खुश हूँ, पता है क्यों, डिंग 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 मैं बड़ी खुश हूँ। मुझे इतना टेंशन हो रहा था, मैंने कहा 9:15 हो गए हैं, सारा दिन घूम घूम कर जिस काम से जाना था वो चलो हो गया और सब देखा है हम लोग, सब कुछ जो भी जाना जाना था।
तो मैं बड़ी टेंशन में थी कि हाय अब मुझे इतनी थकावट हो रही है और मुझे अब जाके पालक पनीर बनाना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे घर आने से पहले उन्होंने पालक पनीर बना दिया क्योंकि उनको पता था ये पालक वालक धोकर उबाल वगैरह कर रखी है तो आके अब बनाएगी और सारा दिन इसका लग गया बेटी के चक्कर में, अभी आगे बेचारी लगेगी रसोई में, तो इसीलिए इन्होंने पालक पनीर बना दिया। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं है, सोने में सुहागा हो गया भाई बड़ी। ये देखिए मैं आपको शक्ल दिखाती हूँ क्योंकि अब उन्होंने क्या बनाया वो तो मुझे पता नहीं चला, बट बना दिया ये देखो। तो गाइस ये देखिए ये बनाया है इन्होंने पालक पनीर, आप शक्ल देखो। ओए होए मैं ना अभी टेस्ट करके बताती हूँ, वैसे कोई नुक्स निकलेगा नहीं इसके अंदर क्योंकि शक्ल बड़ी औसम बनी है, तो आई एम लविंग इट। और सबसे बड़ी बात है मेरे आने से पहले बना के रख दिया इन्होंने, वरना मुझे अब लगना पड़ता। तो कैन आई टेस्ट प्लीज, वेट अ मिनट। पूरा पंजाबी स्टाइल, बहुत टेस्टी बनाया है, पूरा पंजाबी तड़का स्टाइल। भगवान करे बस इनकी लंबी उम्र हो और ये ऐसे ही मुझे अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाते रहे। एटलीस्ट मेरा एक मंडे जो मैंने पूरा दिन आराम करना था वो मेरा पूरा दिन ऐसे निकल गया, लेकिन खाना मुझे अच्छा मिल गया। ब्रूनो को तो खाना खिला दिया और पता है ब्रूनो को भी पालक पनीर खिलाया है और अभी मैं मशीन लगाने लगी हूँ, टाइम हो रहा है रात के 10:30। तो मशीन लगा दूँ, मशीन में कपड़े धुलते रहेंगे क्योंकि आरव की यूनिफॉर्म का प्रॉब्लम हो जाएगा, तो यूनिफॉर्म धोनी बहुत ज़रूरी है। वेट, बाहर जा रही हूँ ना मशीन लगाने, तो ब्रूनी को टॉवल दिख गए मेरे हाथ में, तो ये टॉवल खींचने के लिए मेरे पीछे पीछे अंदर है। तो चलिए मशीन ऑन करते हैं। आ जा आ जा आ जा उसको आ तू आ जा, ये देखो आप इसको पहले बाहर जाके देखना है कि मैं क्या करने रहूँ। अब तो अंदर नहीं जाएगा, रुक जा आप सुसु कर ले, चल बाहर चल सुसु करके अंदर जाना, चलो। हाँ कपड़े धुलवा दे सारे मेरे, धुलवा दे भी सारे, जाओ सुसु पॉटी कर लो जाओ। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन का ना यही फायदा है, कभी भी लगा लो कभी भी कपड़े सुखा लो। मैं सिर्फ अभी मशीन में कपड़े धुलने के बाद इसकी यूनिफॉर्म डाल दूंगी नील लगाकर, बाकी कपड़े सुबह डालेंगे, अब एटलीस्ट कपड़ों का टेंशन खत्म हो जाएगा सुबह का। चलिए फटाफट मशीन ऑन कर दें, मशीन लगा दी है और अभी है टाइम टेस्टी पालक पनीर खाने का। तो मैं आपको वो दिखाती हूँ कटोरी में कितना ज़बरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखिए, कोई कह नहीं सकता कि ये पालक पनीर घर पे बना है, बट एक्चुअली ये घर पे बना है ना सोनू, गलती से बन गया ना, गलती से। हाँ इतना टेस्टी। और ये हरी मिर्च और ये पतले पतले फुलके और वो है मेरा भंगेड़ी ब्रूनो। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक गाइस, रात को आजकल मेरी आपसे टाटा बाय बाय हो ही नहीं रही और मैं अभी गई थी आरोप को उसके स्कूल छोड़ने, फीस जमा कराने। आज मैं भूल गई थी कि 10th लास्ट डेट होती है, उसके बाद पेनल्टी लगनी शुरू हो जाती है। तो मुझे सुबह स्ट्राइक किया कि आज तो 10 तारीख है और आज फीस जमा कराने की लास्ट डेट है, वरना कल से फिर वो चार्जेस लगने शुरू हो जाएंगे। भागी फटाफट, मैंने अपने हस्बैंड को उठाया ही नहीं, मैंने कहा मैं ही जाती हूँ और जाके उसको भी छोड़ाती हूँ और फीस भी जमा करा देती हूँ। तो फाइनली भगवान का लाख लाख शुक्र है ये बोझ भी उतरा। सच में बच्चों की प्राइवेट स्कूलों की फीसें भराना एक बहुत बड़ा टेंशन होता है, तो भराए। और अभी ब्लॉग को एडिट करती हूँ, कल का पूरा मंडे मेरा ऐसे गया मुझे पता ही नहीं चला, सारा टाइम ट्रैवल करते रहे इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, लेकिन ब्लॉग में कुछ नहीं दिखाया। मैं कल गई थी अपनी बेटी के सलोन को देखने जहाँ पर उसने नई ज्वाइनिंग करनी है, तो मुझे पता तो होना चाहिए ना कि बच्चा कहाँ जा रहा है कहाँ जॉब कर रहा है, तो बस इसीलिए हम कल वहाँ गए थे। और फिर रास्ते में खाते पीते आए, फिर थोड़ा सा शॉपिंग कर ली, शॉपिंग मैंने आपको दिखाई दी थी। अब प्रॉब्लम आ रही है कि उसको नए शूज़ लेने हैं जो उसको उसकी पसंद के मिल नहीं रहे, ऑनलाइन आ रहे हैं लेकिन ऑनलाइन में साइज़ का प्रॉब्लम आ रहा है, यूके साइज़ कुछ दिखा रहे हैं आई डोंट नो। तो अभी देखते हैं आज या कल में जाकर शूज़ कहाँ से पसंद आते हैं इस मैडम को, नखरे बहुत है भैया बच्चों के बहुत नखरे हैं, तो उठारे भी पड़ते हैं क्या करें। तो अभी मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड और लगती हूँ मैं अपने रसोई के काम में, आटा वाटा गूंदना है और सब्जी बनी पड़ी है। पालक पनीर कल इन्होंने इतना टेस्टी बनाया था दैट आई कांट टेल यू। और बाद में इन्होंने मुझे बताया कि पालक पनीर में जो इन्होंने प्याज टमाटर का मसाला बनाया था उसमें इन्होंने थोड़ी सी दही भी ऐड की थी पनीर मसाले के साथ, तो मतलब इतना ज़बरदस्त बना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे इतनी खुशी हुई ना कल, क्योंकि मेरा घर आके खाना बनाने का मन बिल्कुल नहीं था, वैसे भी मैं खाना बनाने की चोर हूँ, वैसे बनाती तो बराबर हूँ ना, बट थक गई ना मेरा बिल्कुल मन नहीं था, तो इन्होंने बना के रखा तो मुझे इतनी खुशी हुई मैं आपको क्या बताऊँ। आराम से लेट कर फिर मैं टीवी देखती रही खाना खाते हुए, तो ऐसा अच्छा लगता है। तो चलिए अभी करती हूँ ब्लॉग को एंड, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद। और हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेट कर दीजिए, बने रहिए हमारे साथ। और एक चीज़ और, मुझे कई बार ये बोला जाता है कि ब्लॉग्स बनाने का क्या फ़ायदा, यार आप लोगों से जुड़ रही हूँ, ऋचा जी जैसी अच्छी दोस्त मिल गई है तो कनेक्टिविटी तो बनी रहनी चाहिए। और वैसे भी मेरा जा कुछ नहीं रहा, मेहनत है एफर्ट्स हैं वो हर कोई करता है, आगे भगवान की मर्जी। गुड नाइट, सॉरी गुड मॉर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।